मैं हूं शशांक बीएचयू से। और बच्चे, मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं आज नया चैप्टर पढ़ा रहा हूं। चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक हैं मल्याज, मल्याज इसके लेखक हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा मल्याज की जीवनी के बारे में, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो हम लोग सीधा बात करते हैं। मल्याज का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था 1982 ईस्वी में। फिर इनका जन्म स्थान था महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान कभी कभी पूछ दिया जाता है लेखक का, तो ये ध्यान रखिएगा। मूल नाम था इनका भरत जी श्रीवास्तव, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है इनका मूल नाम लेखक का। फिर इनके माता पिता प्रभावित एवं त्रिलोकीनाथ वर्मा, इन्होंने शिक्षा इनका था MA अंग्रेजी से किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उसके बाद इनके बारे में है कि इनका स्वभाव कैसा था। ये बहुत शांत स्वभाव के थे, गंभीर थे, अंतर्मुखी थे इनका स्वभाव से। और इनके बारे में विशेष अभिरुचि इनका था ड्राइंग और स्केचिंग में। ड्राइंग स्केचिंग बहुत अच्छा ये करते थे। और फिर इनका देखिए, अब इनके बात करते हैं कृतियाँ, मतलब क्या क्या रचनाएं इनकी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में पूछा जाएगा बाबू। कविता जख्म पर धूल 1971 ईस्वी में। फिर अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, आलोचना है कविता से साक्षात्कार संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, सृजनात्मक गद हंसते हुए मेरा अकेलापन, डायरी है 3 खंड में, संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। मैं बाबू आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ यहीं से लेखक के परिचय के बारे में हम लोग अच्छे से समझ गए, जितना समझना चाहिए था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट चैप्टर पे। हंसते हुए मेरा अकेलापन एक तरह का डायरी है। मैं आपको बताऊंगा कि डायरी क्या होता है, जैसे निबंध होता है और कहानी होता है ना, कविता होता है, सबका लिखने का अलग अलग शैली होता है, फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो उसी तरीके से हिंदी में भी डायरी लिखने का एक अलग फॉर्मेट है, समझ गए। तो इसमें मुख्य रूप से ध्यान देना होता है कि जैसे कोई व्यक्ति यात्रा पे निकलता है तो कुछ चीज़ एक डायरी नोट करते जाता है, और डेट के साथ उसमें डेट लिखना पड़ता है बार बार। डायरी जब आप लिखेंगे, डायरी लिखेंगे तो उसमें डेट बार बार लिखना पड़ता है, कब ये सीन, और फिर इसमें दृश्य बदलते रहता है, सीन बदलते रहता है। हम लोग अब बात करते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन, एक सच्ची घटना है ये। इसमें जितना चीज़ लेखक अपने बारे में बताए हैं, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बना दूंगा, एकदम मज़ा आएगा आपको ये समझने में, समझे। तो हम लोग अब सीधा बात करते हैं बाबू। डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन, डायरी लेखन मेरे लिए एक दहकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं जिसमें अपने पर घुसेड़ में जब चाहूँ चुपके पड़ा रहूं। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच। ये लेखक खुद बोले हैं, खुद लिखे हैं। अब देखिए, अब रानीखेत एक जगह है, अब 14 जुलाई 1956 की घटना है, वो लेखक लिखे हैं, सच्ची घटना है। सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं मिलिट्री की छावनी के लिए, ईंधन मतलब जलावन, पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी, मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं कहाँ। एक ऐसा समझा दूंगा ना आपको, हिंदी से जो घबराहट होती है जिन बच्चों को, जो हिंदी समझ नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो हिंदी अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, जो CBSE बोर्ड से आए हैं और बिहार बोर्ड वाले भी, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा मेरी बातों को। परेशानी हो, PDF चाहिए, मेरा नंबर पर आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं सब कुछ उपलब्ध आपको कराऊँगा, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ। हाँ, पेड़ गोकी पूरे हरे तो नहीं, लेकिन चारों ओर के सरसब्ज पेड़ों ने मानो उदारता बस अपने में ही थोड़ी थोड़ी हरिताभा प्रदान कर उन्हें भी अपने गिरोह में मिला लिया है, अपने उदात और विशाल और प्राणवान गिरोह में। उस गिरोह की आत्मा एक है, क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। वे जब बोलते हैं तब एक भाषा में गाते हैं, तब एक भाषा में रोते हैं, तब भी एक भाषा में कहते हैं। वो जब पेड़ है, पेड़ को काटा जा रहा है, क्यों, मिलिट्री की जो छावनी होती है जहाँ पे कैंप होता है सेना का, तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पे ईंधन के रूप में, जलावन के लिए जो भोजन बनता है उसमें प्रयोग करना है। तो ही बातें इसमें है, वही चीज़ याद है, तो वही सारी चीज़ें लिखी गई है। कुहरा है खूब घना और खूब सफ़ेद, दृष्टि के विस्तार को बीच ही से कच्चे फीते की तरह काट देता है, किंतु ये ध्वनियाँ, इन ध्वनियों के मेरे दरवाजे पर दस्तकें या स्फुट याचना जो दीवार पर टंगे हुए कुमाऊ ग्लोरी के खूबसूरत कैलेंडर में है, या कोने में, कुमाऊ एक जगह है ठीक है उत्तराखंड में, कुमाऊ ग्लोरी की खूबसूरत कैलेंडर में, या कोने में टिका कर रखी हुई एसवुड की छड़ी रह रह कांपती क्यों है, नोटबुक के पन्ने यूं बेतरह फड़फड़ाते क्यों हैं,
जिसमें बेशुमार पत्तियां और फूलों की रेखाकृतियां स्मृति के उदास गुलदानों और बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा है। ये देखिए वहाँ की यादें हैं, पेड़ जब कट रहा है तो पेड़ हरा भरा है, समझ गए? तो बहुत सारी बातें यहाँ पे याद के रूप में उन्होंने लिखा है। आपको इसको इसलिए समझना है बाबू, यहाँ पीडीएफ करें, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा। जब तक आप चैप्टर नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट। इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ा देना चाहता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, आप समझते जाइएगा मेरे साथ, समझ गए? इसी बहाने आप पढ़ लेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे रटिएगा बिना कहानी समझे, है ना? ये हिंदी है, इसमें समझना पड़ेगा आपको। मौसम एकदम से ठंडा हो गया है, बूंदा बांदी और हवा एक कलाकार के लिए एक निहायत जरूरी है, उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। अब देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के सामने, बिल्कुल सामने वाई ओर 11 अदद देवदार हैं, पूरे 11 गिनकर। देवदार की जो अब वृक्ष होता है, जिसको हम लोग कहते हैं देवदार का लकड़ी है, पूरा 11 है, वहाँ की बातें चल रही है। जैसे एकादश रुद्र, खाम खा यही सोचता हूँ कि 10 क्यों न हुए या 12 क्यों नहीं, जब भी उधर से गुजरा हूँ यही ख्याल उमड़ते हैं, यानी मैं किस कदर बोर हूँ। कहने का मतलब कह रहे हैं देवदार का वृक्ष 11 ही क्यों है, 10 या 12 क्यों नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छी बात है, सच्ची घटना है। किसी चित्रकार की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम होता हुआ कि सोख और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेज़ी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेज़ी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग बाबू? समझते जाइए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, घबराने की तो बात ही नहीं है यार, थोड़ा होगा, पढ़ाई में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, नहीं समझेंगे तो फिर कुछ होगा भी नहीं। आपको लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बताऊंगा, जो ऑब्जेक्टिव जो जो आता है मैं ही से बताते आपको चला जाऊंगा, कौन कौन पॉइंट को आपको नोट करते जाना है। और उतना ही तेजी से उन्हें ढाल की ओर खींचते हैं, मैं संयत हूँ यानी ठंडा, संयत मने यानी ठंडा, अभी जब बाहर निकलूंगा तब खूब घना और खूब सफ़ेद कोहरा मुझसे लिपट जाएगा, सब ओर छा जाएगा, मेरे अतीत और मेरे वर्तमान का समीकरण व भविष्य जो फीते की तरह बीच से कटा हुआ है इस कोहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात ज्ञान, अज्ञात रुदन मिले हुए कागज के एक नन्हे से टुकड़े की तरह इस कोहरे की ताबीज में, मतलब वो जंगल वाला प्रदेश है, वो ठंडा का इलाका है, समझ रहे हैं ना? तो वही कहा जा रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, और अभी हम लोग का भी देखिए ठंडा चल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ये पढ़ने में। तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे वाले जाड़ों के लिए भी चाहिए, तो ईंधन का विशेष तैयारी हो रहा है। अब हम लोग दृश्य बदल रहा है यहाँ पे, अब पार्ट टू में चलते हैं। 18 जून एक साल के बाद की घटना है, 18 जून 1957 की घटना है। एक खेत की मेड़ी पर बैठी कौआ की कतार देखकर कह रहे हैं, उम्र की फसल पकड़कर तैयार सपनों का सुहाना रंग अब जर्द पड़ चला है। जर्द मतलब होता है बाबू पीला, पीला पड़ चुका है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके हैं, विगत के बेमूल्य जिन पर बचपना कभी शान धरता था, कितने बेमानी होथरे हो उठे हैं। जैसे कि वह जड़ पौधे का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास की एक सीमा के उधर हवाओं में एक ऐसी महक है, हवाओं में एक देखिए महक की बात हो रही है, धरती में एक ऐसी चिलक है, समझ रहे ना, कि फसल कटने भी नहीं पाई, जड़ों को उखाड़ कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं, और ये बाट वखेरदार। प्रश्न है वे बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर से नोच लिया। अब है अगला कौसानी की बात हो रही है, 4 जुलाई 1962। जैसे से इनको चीजें याद आ रही, जहां ये यात्रा पे गए थे उन्हीं चीजों को डायरी में लिखा है इन्होंने। कौन? मल्यज जी ने। इसके लेखक कौन है? मल्यज, उन्होंने ही लिखा है। आज भी कोई चिट्ठी नहीं, तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी से दोपहरी बीत जाती है और कुछ नहीं होता। ये जुलाई का समय चल रहा है, जुलाई मतलब थोड़ा सा गर्मी भी है, थोड़ा पानी भी पड़ता होगा। इतनी भी ताव नहीं कि डाक घर में ही जाकर पूछ जाऊँ, ताव मतलब उत्साह, मतलब इतना भी उत्साह नहीं कि डाक घर में ही जाकर पूछ आऊँ। अजब सी बेचैनी मन में होती है उस वक्त, सारा परिवेश एक मिटे हुए अक्षर की तरह लगता है, किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह, जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है। ऐसी मनः स्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का, यूं भी पहले की कौन तीर मार रहे थे। चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है, एक आशंका में हर दम झूलता रहने वाला मन, जिसमें हर आहट रहस्यमय लगती है, हर खटका चौंक जाता है।
अटखेलियाँ करती हुई हवा कनफुसियाँ सी करती सा लगती है, जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने बैठा है। मतलब उस समय का मौसम इन्हें लग रहा है कि इतना उत्साह हमारे अंदर भी नहीं है, और जैसे ही जैसे पूरा एक तरह का बोरिंग फील कर रहे हैं ये, समझ रहे हैं ना, जैसे हम लोग कभी कभी बोर कर हो जाते हैं अपने जीवन से, लगता है कुछ नए जगह जाकर घूम लूँ थोड़ा मन फ्रेश हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह की बातें यहाँ हो रही। अब कौसानी 5 जुलाई 1962 की बात हो रही है। कल यहाँ के सूचना केंद्र में एक अधेड़ से व्यक्ति ने आकर्षित किया, प्रायः वे एक और ही समय शाम को यहाँ अखबार देखने पहुँचते थे। कल पुस्तकों के छपने वपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे। वे बरबस ध्यान खींचा, परिचय पूछा। बलभद्र ठाकुर नाम से अपरिचित नहीं था, उनकी एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखी थी। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को वे भूले, धीरे धीरे आत्मश्लाघा के मूड में उतर आए। उनकी पुस्तकों का जनता में कैसा स्वागत हुआ, किसी बड़े ओहरेदार व्यक्ति ने पढ़कर क्या किया, फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे मांगकर पढ़ने ले गए तो ऐसी पसंद आई कि लौटाया तक नहीं, आदि आदि के प्रसंग उत्साह से सुनाते रहे। सुनकर रस आता रहा, उनके चेहरे की छटा अच्छी लगी, चश्मे के भीतर उनकी आंखें लेखक के सहज गर्व से भर उठी थी। ठीक ना, गठा हुआ शरीर, रंग सांवले, कुछ अधिक लुंगी और जैकेट पहने। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जब हम लोग किताब पढ़ते थे, जिस समय कोई मांग लेता उसके बाद वो किताब ही नहीं देता था, और फिर एक आदमी के बारे में कह रहे हैं। फिर 7 बज रहे थे, खाना भी पकाना था क्योंकि भूख लग गई थी, अतः विदा ले ली। शाम को घटा उमड़ी और थोड़ी बारिश, मतलब शाम में थोड़ा बताया ना, बारिश का भी थोड़ा मौसम चल रहा है क्योंकि जुलाई का समय बता रहे हैं। और फिर देखिए 1.5 घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया। घर की बूढ़ी माँ जीवट की कामकाजी महिला है, उनका एक स्केच बिठाकर बनाया और उन्हें दिया। आपको मैं बताया था इनको स्केचिंग करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे, तो स्केच भी एक बनाए। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था, जगत सिंह की भाभी ने मांगा तो देना पड़ा। देखिए जो नाम आ रहा है सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा बाबू। जगत सिंह की भाभी ने मांगा तो देना पड़ा, मैं रेडियो से गाने सुनता रहा, उधर चाय पानी का प्रबंध होने लगा अपनी स्थिति के अनुकूल, और वह तो मैं देख ही रहा था। मेहमानबाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा, मैं उसका सिर्फ किराएदार न था एक मेहमान भी था। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला, अब तो शायद परसों तक चल ही देना होगा। देखिए यात्रा पे गए हुए हैं तो वहीं के बात चल रही है, कह रहे कि उस परिवार में हम उसका किराएदार ही नहीं थे, उसका एक हम मेहमान भी थे, और मुझे ये अफसोस हो रहा है कि उससे अब पहले क्यों नहीं जुड़े, अब तो हम 2 दिन के अंदर जाने वाले हैं। यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापक से परिचय हुए, टिपिकल पहाड़ी जन, सीधे साधे तरल बिल्कुल पानी जैसे, जिनमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिख जाए, बुराइयाँ बल्कि कमजोरियाँ कहना अधिक उचित होगा, ऐसे कि प्यार करने की तबीयत हो। कह रहे उधर के लोग बहुत ज़्यादा हमको प्यार करते थे, और वो सब लोग भी शिक्षक थे। कुछ लिए आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काट रहे हैं, अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहे थे, अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं, बस एक रीजन है कि एक स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है, इसलिए वह अखरता नहीं। पर यह नहीं अखरना किसी अंतस्फूर्त के कारण न होकर एक अपना ली गई है व्यवस्था, एक समझौता जो बस एक बेबूझ सी सर्द आह छोड़ जाता है, उस पर ठहर कर चिंता नहीं करता, चिंतन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, सब कुछ यूं ही चल रहा है, बहुत कट गई बाकी भी कट जाएगी। ये कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग हैं पहाड़ी इलाकों के जो लोग हैं, वो सब के ज़िंदगी में कोई विशेष आकांक्षा नहीं, बस किसी तरह से जीवन काट रहे हैं, उन्हीं के बारे में इन्होंने बताया है। अब है 8 जुलाई 1962 की बात है कौसानी का। कल शाम से रोज इसी समय एक प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बारजे मतलब गलियारा तक आती है, इतनी कोमल और मिठास से लिए हुए कि आंखें खुद बुद क्षणों के लिए बंद हो जाती। कर एक मिठास सा सुगंध आता है गंध हवा में, मतलब हवा से होकर के, मतलब फूल पत्ती का आता होगा, पहाड़ी इलाका है आप समझ ही रहे हैं कितना अच्छा लगता होगा। अब दिल्ली की बात हो रही, 30 अगस्त 1976 में, पार्ट 6 है ये। सब सेब बेचती लड़की, उसकी कलाइयों में इतना जोर न था कि वह चाकू से सेब की एक फाक काटकर ग्राहक को चखाती। दो चार बार उसने कोशिश की, फिर वह खिसियाई हुई हंसी हंसकर चाकू। कहने का मतलब है एक लड़की है जो सेब काट करके खिला रही है, और उसके हाथ में इतना ताकत भी नहीं कि वो 2-4 बार सेब काट के खिला सके। मेरे हाथ में थमा दिया, खुद ही चख लो मीठे हैं सेब,
सेब तो बस वैसे ही मीठे थे, उनका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्म में पहले ही जान जा चुका था। पर वह 7 साल 8 साल की लड़की जिसने शायद नई नई दुकान संभाली थी, जिस हाल में दुकान संभलवा दिया गया था, अपने ग्राहक को अपने अपने सौदे के बारे में शक की जरा गुंजाइश न देने की आतुर थी। कह रहे हैं कि एक छोटी सी लड़की है, वो इतना एक्सपर्ट हो गई है सेब बेचने में, वो बहुत कम उम्र है उसका कि किसी भी ग्राहक को वो घूमने नहीं देती है, मतलब समझ रहे ना। मैंने उसके पतले लगभग झबराए जिस्म, उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देखा और उनके सेबों की तरफ जिसके ढेर जल्दी जल्दी कम करने की ललक उसकी आंखों में थी। ये कह रहे उस लड़की में मैं जब देखा कि कितना स्पीड था, उसको कैसे हम बेच डालें, मतलब जिम्मेवारी बचपना में ही आ गया है उस लड़की के पास, उसको बताए हैं। अब हम लोग चलते हैं 10 मई 1978 की कहानी में। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। मेरे बच्चे मेरे रचे हुए यथार्थ हैं, इनसे जुड़ी हुई फिक्रें और सरोकार मेरे अपने रचे हुए हैं, और ये सब मुझ में रचे जाकर मुझसे स्वतंत्र हो गए हैं। इस अपने रचे हुए यथार्थ में मैं बंद सा गया हूँ और उसका दबाव अपनी नाड़ी में प्रतिपल महसूस करता हूँ। रचा हुआ यथार्थ भोगे यथार्थ से अलग है, भोगा यथार्थ एक दिया हुआ यथार्थ है। हर आदमी अपना अपना यथार्थ रचता है और उस यथार्थ को दूसरे को दे देता है। हर एक का भोगा यथार्थ दूसरों के लिए है, नया एक सामूहिक नाम है। इसलिए यथार्थ को रचता रचना एक नैतिक कर्म है। यथार्थ मतलब वास्तविकता को रचना, अपना परिवार बनाना, अपना संसार बनाना, उसी की बात हो रही है, क्योंकि वह एक सामाजिक सत्य की भी सृष्टि करता है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। इस संसार से संप्रीति, संप्रीति मतलब जुड़ाव, एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता और भोगता है। आदमी के होने की शर्त यह रचा जाता है, भोगा जाता संसार ही है। रचने और भोगने का रिश्ता एक द्वंद्वात्मक रिश्ता है। एक के होने से दूसरे का होना है, दोनों की जड़ें एक दूसरे में है और वहीं से अपना पोषण रस खींचते हैं। मतलब परिवार के बारे में कहा जा रहा है, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तभी ना दोनों का एक दूसरे से क्या होता है, संबंध स्थापित होता है। परिवार में देख लीजिए, समाज में देख लीजिए, सबका एक दूसरे से काम बनता है। दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को मिटाते हैं, दोनों एक दूसरे को बनाते मिटाते रहते हैं। अब है अगला पार्ट 8 में चलते हैं। 11 जून 1978 की बात हो रही है। मेरे भीतर इन दिनों कितने शब्द भरे पड़े हैं, ये जून की कहानी है। या अर्थ जो लिखता हूँ, अगर उसमें शब्द अधिक है तो अर्थ कम, या अगर अर्थ ज्यादा है तो उसके हिसाब से शब्द कम पड़ रहे हैं। डायरी में शब्दों और अर्थों के तटस्था कम रहती है। कह रहे हैं डायरी के बारे में, इसमें क्या होता है, शब्द और अर्थ का तटस्था क्या होता है, कम रहता है। कहानी ज़्यादा चलती है यात्रा की, इसी से इसका लिखा हुआ जाना मुमकिन नहीं, यानी मुश्किल है। लिखना मात्र एक तटस्था की मांग करता है, डायरी लिखना भी। कभी कभी मैंने कविता के मूड में डायरी लिखी है, तब शब्द अर्थ के बीच दूरी का एहसास किसी माप के अनुसार निर्धारित नहीं होता, शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में ढलते चला। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे को पकड़ते एक दूसरे को छोड़ते, जिस पल में मैं एक दूसरे को हाथ छोड़ देते हैं वह आकाश होता और उसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। जिस पल शब्द और अर्थ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह धरती का क्षण होता है, उसमें रचना अपनी जड़ पा लेती है, अपने प्रस्फुटन का आदि स्रोत। प्रस्फुटन मतलब खिलने का, रचना मतलब एक तैयार हो जाती है, समझ गए। और फिर हम लोग अब बात करते हैं 20 जून 1978 की बात हो रही है। सुरक्षा डायरी में भी नहीं, वही सिर्फ पलायन है। सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सूरज की रोशनी में, अंधेरे में नहीं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, एक पल पल की धक्का धुकी के साथ। सुरक्षा चुनौती को झेलने में ही है, लड़ने में, घिसने में और खटने में, बचाने में नहीं, अपने को सेने में नहीं, तो अपने को सुरक्षित करने में नहीं। जितना ज़्यादा हम लोग संघर्ष करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जीवन का नाम ही संघर्ष है। अब आगे बात हो रही 9 दिसंबर 1978 की। जो कुछ लिखता हूँ वह सब कुछ सब रचना नहीं होती, ये पृष्ठ तो और भी नहीं। जितना कुछ मैं भोगता हूँ सब में रचना के बीज नहीं होते। उस भोगे हुए अनुभव का कोई वंश आगे रचना में नहीं रचलता, जो आगे चले और मुझे भी साथ ले चले एक संभावना में, वही रचना है, इससे सिर्फ दस्तावेज। देखिए बाबू ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको ये पढ़ना जरूरी है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए। इसी बहाने आप कम से कम एक बार पढ़ तो लेंगे, इससे आपको मालूम, हमें मालूम है आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव वहाँ फंस जाएगा। 2-5 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव अगर फंसा तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। लेकिन यह दस्तावेज भी जरूरी, दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दस्तावेज मेरे जीवन का भोग अनुभव रचना रूपी करेंसी का वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन है। वह मिट्टी है जिसके न बीज की सत्ता है, न बीज को चरितार्थ करता है। रचना में छिपा हुआ भविष्य मिट्टी के अतीत में सुख भुगाता है। जंगल से आती हुई धूप मेरे बदन पर आड़ी तिरछी लकीरें बनाती हुई, धूप पर मेरे बालों से खेलती हुई तीसरे पहर की हवा
शीतल और स्वच्छ उनकी, इसकी कोई राजनीति नहीं है। अब 20 जुलाई 1980 की बात हो रही है, इधर पता नहीं कितने सालों से मेरे जीवन का केंद्रीय अनुभव लगता है कि डर है, डर है। मैं भीतर से बेतरह डरा हुआ व्यक्ति हूं। इस डर के कोई कई रूप हैं, बुरी बुरी बीमारियों का डर, घर का जब कोई आदमी बीमार पड़ता है मुझे डर लगता है कि कहीं इसमें कोई भयंकर बीमारी न लग गई हो, और तब मैं क्या करूँ, उसमें कोई अस्पताल ले जाऊंगा, इलाज की कैसी व्यवस्था करूंगा। देखिए इनको घबराहट हो रही, लेखक को अपने बारे में कह रहे हैं। इस डर की वजह से कितने छोटे घंटे मैंने तनाव में गुजारे हैं, एक पत्ते की तरह कांपते हुए हुए होठों, कांपते ये होठ, ये प्रार्थनाएं बुदबुदाते हुए कि इस किस तरह संकट का यह क्षण कटे। बाहर गए हुए आदमी को जब घर लौटने में देरी है तब उसके लौटने की संभावना, संभावित घड़ी भी बीतने लगती है, मन डर से घिर जाता है। देखते हैं हम लोग घर में भी, हमारे पापा या मम्मी कहीं बाहर चले जाते हैं या छोटा बच्चा और टाइम पे नहीं लौट पाता है या स्कूल से या कभी भी, तो हम लोग घबराहट होने, क्या हो गया, एक दो घंटा लेट है तो नो टेंशन, पर 4-5 घंटा लेट हो जाता है कितना परेशानी होता है। मन तमाम तरह की अप्रिय कल्पनाएं करने लगता है, फिर अनायास ही प्रार्थनाएं, समय बीतने ने जाने का एहसास नसों में धड़ धड़ की तरह गूंजने लगता है, प्रतीक्षा का डर। फिर जब लगता है प्रतीक्षा की घड़ी बीत गई, समय गुजर गया, तब बाहर वाला आदमी लौट आता है सही सलामत, और नसों का तनाव दिल की कई धड़कनों के साथ छूट जाता है। पार्क में खेलने गए बच्चों का शाम अंधेरा घिर आने के बाद एकाएक जब वहां नहीं दिखने लगते तब कहां गए कि अकुलाहट कोई उत्तर देने तक नहीं पाकर डर डर में बदलने लगती है, समझ रहे हैं, और ज़्यादा घबराहट बढ़ता है जिससे कहीं से कुछ पता नहीं चलता उसके बारे में। तब मन इतना कमज़ोर हो गया कि उसमें डर बड़ी आसानी से घुस आता है। कह रहे कि मन हम लोग का इतना कमज़ोर हो गया बाबू, उसमें डर आराम से घुस जाता है, अगर थोड़ा सा भाई चीज़ें इधर उधर हो जाती है, बात इधर उधर हो जाता है तब। अब है 3 मार्च 1981 की बात, अपने को काटता पीटता हुआ आदमी दुनिया के आगे एकजुट और साबुत बने रहने की जीविषा में हरदम तना हुआ, किसी लक्ष्य पार छूटने को कसा हुआ रहता है। ये कह रहे हैं कि मनुष्य का यही जीवन है, जो हमेशा परेशान रहता है व्यक्ति, अपने को एक ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए तैयार रहता है। अब यही आप समझ गए बाबू, ये मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं अगले पार्ट में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसका दूंगा, और वही दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में।